गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। फतेहपुर से कांग्रेस ने भवानी पठानिया का नाम भेजा, सुजान सिंह पठानिया के बेटे हैं भवानी। हेलमेट ना पहनने वालों को पुलिस ने दिया सबक, नौहराधार में धड़ाधड़ कट रहे चालान। बिलासपुर में पुलिस प्रशासन खोलेगा जंकयार्ड, थानों में जंक खा रही गाड़ियों को मिलेगा ठिकाना। पंचरुखी बाजार में महंगाई ने लगाया लॉकडाउन, ग्राहकों का हो रहा इंतजार। पार्वती परियोजना ने जागरूक किए ग्रामीण, पार्ले पंचायत में लगाया कैंप। अरब समाचार विस्तार से। फतेहपुर हलके के तहत ब्लॉक कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए भवानी पठानिया का नाम आगे बढ़ाया है। भवानी पठानिया का नाम आम सहमति से आगे बढ़ाया गया है। वह दिवंगत विधायक सुजान सिंह के बेटे हैं। कांग्रेस की बैठक मंझार स्थित शिव मंदिर में ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन जीत कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसहमति से स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पुत्र भवानी सिंह पठानिया का नाम पार्टी हाईकमान को भेज दिया गया है। आज हमने कार्य करने की मीटिंग यहाँ पर की है और सर्वसहमति से श्री भवानी जी को अपना नेता चुना है। हम सभी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा नेता भवानी ही बने। सुप्रधान ग्राम पंचायत रे, आज हमारी फतेहपुर मंडल की जो सभा मीटिंग हुई है हमारे अध्यक्ष जीत शर्मा जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में, उसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारे आने वाले जो विधायक हैं, नेता हैं, वो भवानी सिंह पठानिया जी ही। मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फतेहपुर जगजीत सिंह पठानिया, आज हमने ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग कर श्री भवानी पठानिया जी का अपने नेता के रूप में उनका नाम प्रपोज किया है और हम स्टेट कांग्रेस कमेटी से आग्रह करते हैं कि भवानी पठानिया जी को हम आशीर्वाद दें और हमारा नेता के रूप में स्वीकार करें। नौहराधार की सड़कों पर नियमों को तोड़ने वाले ड्राइवरों को खूब सबक मिल रहा है। पुलिस ऐसे ड्राइवरों के चालान काट रही है, खासकर बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों के चालान धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। इसके अलावा नौहराधार बाजार में बेतरतीब खड़े वाहनों को हटाने के भी सख्ती से आदेश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार ASI चेतन चौहान की अगुवाई में सोलन मीनस मार्ग पर नाके के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। कुछ लोगों को समझाकर चेतावनी देकर भी छोड़ा गया है। जिला भर के थानों में लंबे समय से बाउंड गाड़ियों को अब एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, जिसके लिए जिला में एक जंक यार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जंक यार्ड के लिए जगह मुहैया करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने हाल ही में उपायुक्त रोहित जम्बाल को पत्र लिखा है। जगह मिलते ही जंक यार्ड का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिला में जंक यार्ड के निर्माण को लेकर पुलिस प्रशासन को निदेशालय की ओर से आदेश जारी हुए हैं। ASP बिलासपुर अमित शर्मा ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों व दुर्घटनाओं में प्रयोग हुए वाहन लंबे समय से जिला भर के थानों में पड़े हुए हैं और खराब हो रहे हैं। इन वाहनों की वजह से थानों में काफी जगह भी घिरी रहती है। जंक यार्ड से गाड़ियों की भी सुरक्षा रहेगी और थानों में स्पेस खुलेगा। जितने भी थाने हैं ना, उसमें अपराध से संबंधित जो भी वाहन यूज हुआ है, एक्सीडेंट में कोई वाहन यूज हुआ है, तो वो थानों में पड़े हैं, खराब हो रहे हैं और थाने में पब्लिक आती है तो थोड़ा वो भी ठीक नहीं रहता है। थाने में जगह भी काफ़ी घिरती है, तो हमने एक रिक्वेस्ट लेटर DC साहब को भेजा है कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड दिया जाए जहाँ पर जिले के समस्त थानों की गाड़ियाँ रखी जा सकें, ताकि उनकी भी सेफ्टी रहे और थाना भी जो है साफ रहे। पंचरुखी बाजार इन दिनों सोना सोना नजर आ रहा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कारोबारियों की माने तो यह मंदी महंगाई के कारण आई है। पेट्रोल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे थे और अब राशन और सब्जी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग खरीदारी से परहेज करने लगे हैं।
कारोबारियों का कहना है कि लोग बहुत थोड़ी खरीदारी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि यह मंदी लंबी चलेगी क्योंकि अब अगला शुभ मुहूर्त अप्रैल माह के अंतिम दिनों में होगा। ऐसे में उन्हें इसी मंदी के दौर से गुजरना पड़ेगा। पार्वती दो परियोजना ने पार्ले पंचायत के अंतर्गत ग्रामीणों के लिए पशुपालन एवं से पौधारोपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पार्ले पंचायत में एनएचपीसी द्वारा पशुपालन विभाग एवं क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बचौरा के सहयोग से लगे कार्यक्रम का लोगों ने खूब लाभ उठाया। इस दौरान लोगों को पशु रोगों पर भी जागरूक किया गया। आने वाले दिनों में भी या ये को ऐसा ही कोई प्रशिक्षण या कैंप द्वारा लगाया जाए यहाँ पे, मैं एलएचपीसी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज आपको कैंप में कौन कौन सी ट्रेनिंग दी गई मैडम? वेटरनरी के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में समझाया गया यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हमें पेड़ों की किस तरह रक्षा करनी चाहिए और पशुपालन का किस तरह ध्यान रखना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है, मैं उपाल लो नजाम से बाढ़ पंच दमयंती।